स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। चंबा में भूकंप का झटका, 3.1 की तीव्रता से हिली धरती। जिला चंबा में सोमवार को एक बार फिर भूकंप का झटका लगने से लोग सहम गए। भूकंप का झटका 1:41 पर महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र जिला चंबा ही रहा। भूस्खलन से सड़कें बंद, सब्जियों से भरी गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश सड़कों की रफ्तार थामने लगी है। भारी बारिश से अधिकांश नदी नाले और खड्डे उफान पर हैं। कुल्लू जिले में बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने से जिले में आधा दर्जन सड़कों पर पत्थर मलबा गिरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैंज व बाजार क्षेत्र में बारिश का अधिक असर देखने को मिला है। न्यूली सेंसर सड़क में बड़ी चट्टाने गिरने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया है। टीजीटी कला समेत 4 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाएं स्थगित, आयोग ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने अब टीजीटी कला समेत 4 पोस्ट की भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल स्थगित कर दिया है। इससे पूर्व आयोग 11 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल रद्द कर चुका है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए आयोग की भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। सिरमौर में 31 कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश भर में 72 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 72 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सिरमौर में 31, सोलन 15, कांगड़ा में 12, मंडी में 10, चंबा में 3 और हमीरपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला आया है। सिरमौर जिले के गोविंदगढ़ मोहल्ले नाहन में 31 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन जिले के बीबीएन में शाम को 15 नए कोरोना मामले आए हैं। सोलन अब ईओ, सैनिटरी ऑफिसर सहित 6 कर्मचारी क्वारंटीन हो गए हैं। मंडी जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें बस्सी गोहर से 3 मामले, कांगो सुंदरनगर से 1, डगियाल थुनाक से 1, सरकाघाट, बगसियाड और नैरचौक मेडिकल कॉलेज में 1-1 मामला आया है। नागरिक अस्पताल सरकाघाट में कार्यरत महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकली है। चंबा में सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। भरमौर का 47 वर्षीय व्यक्ति, बाथड़ी की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 2 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हिमाचल विश्वविद्यालय परिवहन मुख्यालय सील, गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के MBA संस्थान UBS में कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को संस्थान और इसके आसपास सैनिटाइजर का छिड़काव कर संक्रमण मुक्त करने का कार्य शुरू किया गया। आदेश आने पर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक अधीक्षक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय को मंगलवार तक के लिए सील कर दिया गया है। शिमला धर्मशाला में हल्की बारिश, ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। राजधानी शिमला और धर्मशाला में सोमवार को हल्की बारिश हुई। रोहतांग और लाहौल की ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को प्रदेश में येलो और बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 31 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। पूरे प्रदेश में 2 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। संस्कृत में बेहतर प्रदर्शन पर विद्यार्थियों को पुरस्कार, छात्रवृत्ति भी देगी सरकार। संस्कृत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सरकार पुरस्कार देगी, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। भाषा के स्कूली बच्चों में रुचि बढ़ाने और प्रदेश की दूसरी राजभाषा के उत्थान के लिए सरकार यह करने जा रही है। 10वीं और जमा 2 के परीक्षा परिणाम में संस्कृत विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को सरकार पुरस्कार और छात्रवृत्ति देगी। तेज बारिश से कालका शिमला नेशनल हाईवे पर तंबू मोड़ के पास सड़क धंसी। शनिवार रात हुई तेज बारिश से कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर रविवार सुबह करीब 3 बजे तंबू मोड़ के पास अचानक सड़क धंस गई। यह जगह जाबली के पास है और चंडीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इससे 1 घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। फिर पुलिस ने करीब 1 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही दूसरी लेन में डाइवर्ट की। गनीमत यह रही कि जब यह सड़क धंसी तो उस समय सड़क से वाहन नहीं गुजर रहे थे। बागवानों को बिचौलियों से बचाने के लिए HPMC शुरू करेगा ऑनलाइन ट्रेडिंग। बागवानों को बिचौलियों से बचाने के लिए HPMC जल्द ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर रहा है। अगले महीने से HPMC बागवानों की सुविधा के लिए सेब की ऑनलाइन ऑक्शन करेगा। तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। HPMC ई ट्रेडिंग सेवा के तहत बागवानों को अपने साथ जोड़ेगा और बागवान अपने सेब की ऑनलाइन नीलामी कर सकेगा। मंडी जिले के ये 4 बाजार रविवार तक बंद, कारोबारियों ने खुद लिया फैसला। हिमाचल के मंडी जिले के सराज और नाचन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कारोबारियों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया है। चैलचौक, जंजेली, बक्सयाड़, गोहर के कारोबारियों ने दवा की दुकानों को छोड़ रविवार तक सभी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। मंगलवार से लेकर रविवार तक चैलचौक सब्जी मंडी भी बंद रहेगी, जबकि लंबाथाच में 14 दिन बंद का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दूसरे दिन लोगों को दूध भी नहीं हुआ नसीब।
औद्योगिक नगरी बीबीएन में लॉकडाउन के दौरान लोग बड़ी दिक्कतें झेल रहे हैं। सोमवार सुबह उठते ही लोग घरों से बाहर निकलकर दूध की तलाश में निकले, लेकिन दुकानें बंद होने के कारण छोटे बच्चों को भी दूध नसीब नहीं हुआ। इस दौरान लोग स्थानीय दूध विक्रेताओं को आवाज़ें भी लगाते रहे, लेकिन उन्हें दूध नहीं मिला। यहाँ हर दिन 42,000 लीटर दूध पंजाब से आता है। मटर की हरियाली से किसानों की चांदी, खेतों में ही बिक रहा है 90 रुपये किलो। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के किसानों का हरा मटर इन दिनों खेत में ही 75 से 90 रुपये किलो तक बिक रहा है। कोरोना काल के बीच मटर के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे चहक गए हैं। पट्टन घाटी में मटर सीजन लगभग 70% तक सिमट चुका है। अब तोद, तीनन और मेहड़ घाटी में मटर सीजन शुरू हो गया है। चीन ने हिमाचल से लगती सीमा के नज़दीक बनाई सड़कें। चीन ने हिमाचल के किन्नौर से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। यह जानकारी हाल ही में सोशल मीडिया में भारतीय क्षेत्र में चीन के निर्माण के दावे वाले एक वायरल ऑडियो को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए किन्नौर के SP साजूराम राणा ने दी है। पालमपुर में 300 कनाल चाय बागवान की जमीन को हथियाने की साजिश। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सौरभ वन विहार के पास एक इलाके में मिलीभगत से चाय बागान के अधीन आने वाली 300 कनाल जमीन को थर्ड पार्टी यानी तीसरे व्यक्ति के नाम करवाने की साजिश अफसरों ने नाकाम कर दी है। जमीन अरबों रुपये की है। लैंडस्लाइडिंग एक्ट और सरकारी नियमों को दरकिनार कर मात्र वसीयत के सहारे जमीन को हथियाने की कोशिश हो रही थी। गाड़ी का तापमान ज़्यादा हुआ तो अटल टनल में एंट्री नहीं। अत्याधुनिक तकनीक से बन रही अटल टनल के दोनों प्रवेश द्वारों पर हॉटस्पॉट डिटेक्शन सिस्टम होंगे। इसके सेंसर टनल में प्रवेश करने वाले वाहनों के इंजन का तापमान, टायर और पूरे वाहन का तापमान तुरंत स्कैन कर लेंगे। अगर किसी वाहन का तापमान अधिक होगा तो उसे टनल के बाहर रोक दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की घटना को रोका जा सके। सामान्य तापमान होने पर वाहन को टनल से गुजरने दिया जाएगा। मनाली ले हाईवे पर लुढ़का टैंकर, चालक की मौत। मनाली ले हाईवे पर अलूबाड़ी के पास टैंकर लुढ़कने से चालक की मौत हो गई। SHO केलांग ने बताया कि टैंकर लेह से अंबाला की तरफ लौट रहा था। अलूबाड़ी के पास टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी में शीघ्र मिलेगी ई वाहन सुविधा, 15 ई बस चलाने की योजना। धर्मशाला शहरवासियों का स्मार्ट सफर का इंतजार है। आगामी दिनों में प्रशासन की योजना परिवहन विभाग को स्मार्ट रूप देने की है। फेम इंडिया योजना के तहत बैठक में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। धर्मशाला शहर के यातायात को सुगम, प्रदूषण रहित और सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ गरजे कांग्रेसी, सामाजिक दूरी के निर्देशों की उड़ी धज्जियां। हिमाचल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोमवार को राजभवन के बाहर खूब गरजे। उन्होंने लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सामाजिक दूरी के निर्देशों की खूब धज्जियां उड़ाई। विदेश से भी जुड़े मानव भारती विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों के तार। मानव भारती विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों का जाल देश में ही नहीं विदेश में भी फैला हुआ है। मामले की जांच में जुटी SIT को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी फर्जी डिग्री की शिकायतें फ़ोन और ईमेल आ रही हैं। पुलिस टीम ने इनकी जांच शुरू कर दी है। संबंधित लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। गोबर के ढेर पर झाड़ियां फेंकने को लेकर भिड़े दो परिवार, एक व्यक्ति की मौत, चार पर FIR। हिमाचल के मंडी जिले के बागसराणा गाँव में गोबर के ढेर पर झाड़ियाँ और कूड़ा फेंकने पर दो परिवार आपस में भिड़ गए और मारपीट में बेलचा लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं हत्या के आरोपों के तहत एक ही परिवार के चार लोगों और नौकर समेत 5 पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।